हेलो स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट मैथ्स। आज बेटा हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फिर चैप्टर नाइन, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। अभी आप जो है लास्ट चैप्टरों में आपने ट्राइंगल्स भी पढ़ा है और क्वाड्रिलेटरल भी पढ़ा है। अब उस क्वाड्रिलेटरल में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड आप और ट्राइंगल से ये प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ कुछ कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है, फिर उसके बाद इस चैप्टर इस एक्सरसाइज को हमें करना है। आइए अब आप देखिए, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले यू मे रिकॉल दैट द पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज्ड बाय ए सिंपल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड ए प्लेनर रीजन करस्पॉन्डिंग टू दैट फिगर। द मैग्नीट्यूड एंड मेजर्स ऑफ दिस प्लेनर रीजन इज कॉल्ड इट्स एरिया। अब आप देखो, कोई भी फिगर अगर बाउंडेड है, प्लेन फिगर था और प्लेन फिगर बाउंडेड है, तो वो आपका वो क्या है, प्लेनर रीजन उसको हम कहलाते हैं। जो आपका ये जैसे ये है, ये बी है, ये दोनों आपके प्लेनर रीजन भी हैं, ठीक है। और इनके जो एरिया है, इसके ये इनको प्लेनर रीजन का जो एरिया एरिया प्लेनर रीजन जो है, इसको हम क्या कहते हैं, ये एरिया, ठीक है। अब आप देखिए, ये ध्यान में रखना है कि टू फिगर्स आर कॉल्ड कांग्रेंट। अगर दो फिगर्स कांग्रेंट हैं तो वे जैसे वो कब होते हैं, जब उनके सेम शेप एंड साइज। ये पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा है कि अगर दो फिगर सेम शेप और साइज के हैं तो वो क्या होते हैं, कांग्रेंट होते हैं। तो इससे एरिया से रिलेटेड क्या है, ये आपको ध्यान में रखना है। इफ टू फिगर्स ए एंड बी आर कांग्रेंट दे मस्ट हैव इक्वल एरिया। अगर दो आपके फिगर्स कांग्रेंट हैं तो इन दोनों की एरिया आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। बट अगर हम ये कहें कन्वर्स, इसका कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये हम कहें कि अगर एरिया इक्वल है, ठीक है, तो वो फिगर कांग्रेंट होंगे, ये गलत है, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान देना है कि यदि कांग्रेंट है तो उनके एरिया निश्चित रूप से इक्वल होंगे, लेकिन यदि आपका एरिया इक्वल है तो वो फिगर, ये जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेंट हों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे एग्जाम्पल एक यहाँ आप ले लें, जैसे एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया 9 × 4 = 36, इसका एरिया भी 36 आया। और एक ये जो है स्क्वायर 6 × 6 है, इसका भी एरिया ये आपका क्या हो गया, 36। देख रहे हो कि 36 इसका भी मैग्नीट्यूड है और 36 इसका भी मैग्नीट्यूड है। दोनों का एरिया तो आपस में इक्वल है, बट दोनों का शेप और साइज क्या है, डिफरेंट है। तो इसलिए अगर कोई एरिया इक्वल हैं तो ये हम नहीं कह सकते कि वो दोनों फिगर कांग्रेंट भी होंगे। लेकिन यदि आपके वो कांग्रेंट फिगर हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, तो इन दोनों के एरिया भी आपस में इक्वल होंगे। अब ये चीज़ें आपको इनमें ध्यान में रख करके काम करने हैं बेटा। जैसे ये एक फिगर आप देख लो, ठीक है। अब आप देखो, इस फिगर में आप देख रहे हो कि यहाँ तक का जो एरिया ए आपका पी है और इधर का एरिया आपका क्यू है, अगर इन दोनों का एरिया ऐड कर दें तो इस पूरे एरिया, पूरा जो एरिया है वो एरिया मान लेते हैं टी है, तो इस टी के एरिया के ये इक्वल हो जाएंगे। यानी एरिया ऑफ टी इक्वल एरिया ऑफ पी एंड एरिया ऑफ फिगर क्यू, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जैसे अभी हमने ऊपर भी पहले भी बताया था कि इफ ए एंड बी आर टू कांग्रेंट फिगर देन एरिया आर इक्वल, ठीक है। और दूसरा अगर ये है कि अगर दो टुकड़े एरिया हैं और उनको दोनों को ऐड कर दें तो जो उनका सम होगा वो उसके इक्वल होगा होल के, ठीक है। तो जैसे ये आपने देखा, तो बेटा ये आपको चीजें समझते हुए काम करने हैं, ठीक है। आइए अब आपको समझना है, फिगर्स ऑन द सेम बेस
एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, ठीक है। अगर फिगर सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस हम कैसे कहें पहचानेंगे, ये आपको ध्यान देना है। अब जैसे आप ये देखिए कि ए बी सी डी, एक आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, दूसरा क्वाड्रिलेटरल ई डी सी एफ ये क्वाड्रिलेटरल है। अब इन दोनों का अगर देखो तो बेस ये आपका डी सी, दोनों एक ही बेस पर बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हम कहते हैं सेम बेस। ऐसे आप इसमें देखो, इस दोनों दोनों क्वाड्रिलेटरल में एस आर आपका क्या है, सेम बेस है, इनको हम बेस कहते हैं। ऐसे आप देखो ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और बी सी डी, ये जो दो ट्रायंगल बने हुए हैं इन दोनों का भी बेस आपका बी सी जो है ये क्या है, सेम है, ठीक है। ऐसे आप देखो एक ये आपका क्वाड्रिलेटरल है और दूसरा ये ट्रायंगल है, ठीक है, डी बी सी ये ट्रायंगल है। अब इसमें भी आप देखो तो ये डी सी इसका बेस क्या है, सेम है। तो ये बेस हम समझ रहे हैं कि अब बेस आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे, ये बेस आपके सेम है। बट अगर अब आपको अगर ये हम कहें कि सेम पैरेलल लाइंस, तो सेम पैरेलल लाइंस आपका क्या है मीनिंग का, मतलब आप देखो जैसे ए बी सी डी ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल, दूसरा डी ई एफ सी ये क्वाड्रिलेटरल है आपका, और इसमें देख लो बेस सेम बेस आपका डी सी हो गया, और जो ए बी लाइन है इसी को आपको प्रोड्यूस करने पर यही आपका ई एफ बी लाइन है, ठीक है। दोनों लाइनें एक ही लाइन पर आ रहे हैं, तो इसके मतलब ए एफ पैरेलल टू किसके है, डी सी। तो ऐसी पोजीशन में इसको हम कहते हैं सेम बेस सेम पैरेलल लाइन, ठीक है, ये आपका सेम बेस सेम पैरेलल लाइन है। ऐसे इसमें आप पहचानो, जैसे आप देखो इस ट्रायंगल इस क्वाड्रिलेटरल में पी एस आर क्यू में, ठीक है, दूसरा क्वाड्रिलेटरल एम एस आर एन में, ये आपके और सेम बेस आप देख रहे हो, एस आर क्या है, ये सेम बेस है, और ये पी क्यू या एम एन ए भी आप देख रहे हो कि सेम, ये किस में है, सेम पैरेलल लाइन, यानी यह जो है पी एन पैरेलल टू एस आर है। तो ऐसे इसको हम सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ऐसे आप ट्रायंगल में देखो दोनों वर्टिसेस एक ही लाइन पर यहाँ स्थित हैं, ए एंड डी, ठीक है, और सेम बेस इसका ये है, तो ए डी ये और बी सी ये सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस पर हैं, बी सी बेस हो गया और ए डी जो है ए डी पैरेलल टू बी सी हो गया। ऐसे बेटा आपको इसमें भी आप देखो कि ए डी सी बी ये आपका जो क्वाड्रिलेटरल है, या आप ए बी सी डी ये कह सकते हैं, दूसरा ये ट्रायंगल है डी सी बी, ये आपका सेम बेस, और ये जो ए बी पैरेलल डी सी के है इसको प्रोड्यूस करने पर उसी लाइंस पर पॉइंट पी भी लाई कर रहा है, तो इसको भी यानी ए पी पैरेलल टू डी सी है। तो ये इस तरीके से बेटा आपको पहचानना है सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस में कौन है, और इस पर आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है, एक्सरसाइज 9.1। अब आप देखिए एरिया ऑफ पैरेलोग्राम एंड ट्रायंगल एक्सरसाइज 9.1 है, ठीक है। अब इसमें आपको जैसे जैसे अभी हमने बताया वैसे वैसे आपको इसमें पहचानना है, ठीक है। ये व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लाई ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, इन सच ए केस राइट द कॉमन बेस एंड टू पैरेलल्स। सेम बेस और सेम पैरेलल आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है बेटा। अब जैसे इसमें आप देखो ए बी सी डी ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, दूसरा ट्रायंगल आपका डी पी सी है, ठीक है। तो अगर ये हम कहें डी सी इसमें तो सेम बेस मिल गया, और ए बी या ए पी या पी बी ये भी आपके किसके हैं, डी सी के पैरेलल है। ऐसे आपको इस फिगर्स में सभी पहचानने हैं जिनके ये सलूशन आपको खुद करने हैं, ठीक है। अब ये आपके तीन हैं, जैसे फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ, ये सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस हैं,
और इसमें जैसे मैंने पहले में बताया सेम बेस डीसी है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइन जो डीसी और एबी हैं, ये डीसी एंड एबी ये सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो ये बेटा आपको एक्सरसाइज 9.1 में ये क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब एक थ्योरम आप ये देख लो, थ्योरम 9.1, पैरेलोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। आप देखिए कि ये जो है थ्योरम, यानी कोई भी पैरेलोग्राम्स है सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस में बने हुए हैं तो उनके उनका जो एरिया होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी ये हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ पैरेलोग्राम ए बी सी डी इक्वल एरिया ऑफ पैरेलोग्राम ई एफ सी डी, ये आपको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे, अब आप देखो कि ये दोनों पैरेलोग्राम है, यानी ये ट्रायंगल ए डी ई और ये बी सी एफ, ये दो ट्रायंगल आप ले लो, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में अब आप देखो कैसे ए बी ए डी ये पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है, क्योंकि ये पैरेलोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। तो ये आपका यानी ए डी इक्वल बी सी भी होगा और एंगल ई ए डी ये एंगल आपका एफ बी सी इस एंगल्स के इक्वल भी होगा, ठीक है। ऐसे आपका देखो दूसरे पैरेलोग्राम में ई एफ सी डी में, ठीक है, ई एफ सी डी में ई डी ये आप जो देख रहे हो कि ई डी पैरेलल और एफ सी इसके है, क्योंकि ये भी पैरेलोग्राम की अपोजिट साइड्स है तो ये इक्वल भी होगा और ए बी एंगल्स आपका क्या होगा, इसमें इक्वल हो गया। तो दो साइड्स और ये आपके दो एंगल्स इक्वल किए हो गए हैं, तो आप ये देखो एंगल डी इक्वल एंगल सी ये अपने आप हो जाएगा, कैसे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है, ये एंगल ई इक्वल एंगल एफ के इक्वल है, तो बाई कैलकुलेशन यानी थर्ड एंगल अपने आप जो है ये एंगल जैसे सी इक्वल एंगल डी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों ट्रायंगल ए डी ई और बी सी एफ ये दोनों आपस में क्या हो गए, कांग्रेंट हो गए। और जब ये दोनों ट्रायंगल कांग्रेंट हो गए तो हम मैंने पहले भी बताया है आपको कि अगर कांग्रेंट फिगर हैं तो निश्चित रूप से उनके एरिया भी आपस में इक्वल होंगे। तो अब इसका मतलब ये एरिया ए डी ई इक्वल बी सी एफ, ये दोनों एरिया आपस में इक्वल हैं। अब आप देखो ई बी सी डी ये है इतना एरिया दोनों पैरेलोग्राम के लिए कॉमन है, तो इस पर ई बी सी डी में एक बार ए ई डी ऐड कर दें और दूसरी बार दूसरा ये जो है ई बी सी डी में ये बी एफ सी ये ऐड कर दें। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जब इसमें ऐड करोगे तो ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्वाड्रिल जो पैरेलोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेलोग्राम ए बी सी डी इक्वल एरिया ऑफ पैरेलोग्राम ई एफ सी डी, ठीक है। तो ये सेम बेस सेम पैरेलल लाइंस के बीच में एक पैरेलोग्राम बने हुए हैं तो उनके एरिया क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन है, ये आप देख लो, इन फिगर ए बी सी डी इज ए पैरेलोग्राम, ए ई परपेंडिकुलर टी सी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए डी और ए बी इक्वल 16 सेंटीमीटर, ए ई इक्वल 8 सेंटीमीटर एंड सी एफ इक्वल 10 सेंटीमीटर, फाइंड ए डी, ठीक है। तो ए डी आपको निकालना है, यानी ये आपको निकालना है। अब आप देखो ये जो पैरेलोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेलोग्राम हम लोग जानते हैं बेस इनटू करस्पॉन्डिंग हाइट, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ पैरेलोग्राम ए बी सी डी का जब बेस हम क्या ले रहे हैं, ये डी सी, और डी सी ये पैरेलोग्राम के कारण कितना ए बी के इक्वल होगा, जो ए बी आपका 16 दिया है, तो इस तरीके से डी सी इक्वल 16 और इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट ए ई हो गया।
तो ए ई आपका 8 है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इक्वल ये 16 × 8 इक्वल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी ये पूरे पैरेललोग्राम का एरिया तो मालूम हो गया। अब आप देखो इसकी हाइट, ये आपका 10 यानी सी एफ, अगर ये हाइट लेते हैं तो बेस इसका करस्पॉन्डिंग क्या होगा, ए डी होगा। तो ये बेस जब हम ले रहे हैं उस समय भी इसका एरिया सेम होगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हम लोग निकाल चुके हैं 128, और ए डी आपका कितना है ये अननोन है, सी एफ आपका 10 दिया है, तो ए डी इंटू 10। अब ए डी निकालना है 128/10, इसको डिवाइड किया तो 12.8 सेंटीमीटर आ गया, यानी ए डी की जो लेंथ हो गई वो कितनी हुई 12.8 सेंटीमीटर। अब इसके और प्रॉब्लम नेक्स्ट जो होंगे वो आपको कल मिलेंगे बेटा, आज इतना ही। थैंक यू।